नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी के इस पीटी के विशेष क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान राज व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताओं पर जो चर्चा करेंगे, आपके सिलेबस का पहला अगर लिखित रूप में देखा जाए तो ये पहला टॉपिक है। और हम लोग जो है परीक्षा के महत्ता, परीक्षा के लिए बचे हुए समय को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट और सिलेबस पर चर्चा करेंगे, जिससे कम समय में ज़्यादातर चीज़ें तैयार किया जा सके और परीक्षा में आप लोगों को प्रभावी ढंग से जो है आत्मविश्वास के साथ उतरने और बैठने का जो है मौका मिल सके। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में हम थोड़ा सा संविधान को या संविधान के परिचय को देखने का प्रयास करेंगे कि भारत का संविधान अगर देखा जाए तो दुनिया का जो है सबसे बड़ा संविधान, सबसे जो है बड़ा संविधान भारत का जो है, ये इसके पास जो विशेषता है 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, 395, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। 395 जो अनुसूचियों की बात, अनुच्छेद की बात की जाती है, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, 444 भी कहीं आता है, लेकिन मूल रूप में जो है अगर देखा जाए अंकों के आधार पर देखा जाए तो 395 ही है। क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि एक अनुच्छेद के अंदर भी अनुच्छेद की व्यवस्था समय समय पर की गई है। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो अनुच्छेद 243 जो कि पंचायतों से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, उसमें कई अनुच्छेद जो है उप अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई, लेकिन अंकों के आधार पर 395 अनुच्छेद की ही व्यवस्था की गई है। इसमें मूल रूप से जो है 8 अनुसूचियां थी, बाद में जो है इसमें समय समय पर जोड़ा गया है। तो अभी इसके पूर्व के जो है लेक्चर में जो है संविधान के भाग और अनुसूचियों के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से कौन सा अनुसूची किसमें शामिल है। यहां से भी एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा ही जाता है भाग और अनुच्छेद से, तो इसको भी देखना है। भाग के रूप में जो है 22 भाग आपके जो संविधान में है। तो इस तरीके से जो है संविधान की ये जो एक सामान्य परिचय, भारतीय संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इसको जो है 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 संविधान के पूर्ण होने के बाद, जैसे कि 24 नवंबर को लास्ट डेट पर जो है सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान के कुछ भाग को, और जैसे संसद है, नागरिकता है या अस्थाई कुछ जो व्यवस्थाएं थी उसको लागू कर दिया गया ताकि जो है संविधान के अनुसार देश का संचालन हो सके। लेकिन 26 जनवरी 1930 ईस्वी के उस ऐतिहासिक तिथि के महत्व को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को जो है संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, क्योंकि नवंबर के बाद अगला जो जनवरी आएगा वो 1950 में पड़ता था, क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर और ये जनवरी जो है अगले वर्ष जो है पड़ता है। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से, प्रश्न अगर पूछता है कि संविधान को कब लागू किया गया तो ये है, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से अगर पूछ लेता, पूर्ण शब्द आता है तो पूर्ण शब्द के आने पर जो है आपका ये जो है उत्तर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इन सारी तकनीकी बिंदुओं और अंतर को जो है समझना आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो ये जो है संविधान के बारे में एक छोटी सी जो है चर्चा थी। अब हम संविधान की विशेषताओं पर जो है चर्चा करेंगे, जो कि आपके आज के जो है लेक्चर का इम्पॉर्टेंट और आपके सिलेबस का एक पहला लिखित रूप से जो है टॉपिक है। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं कि इसमें पहली अगर विशेषता देखा जाए तो प्रस्तावना का इसमें प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो है प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना क्या है? संविधान के जो है प्रारंभ में एक ऐसा भाग है जिसमें संविधान की समस्त बातों को जो है सम्मिलित कर दिया गया है और इसमें संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को भी जो समाहित करने का प्रयास किया गया है। संविधान की सभी बातों के मूल को शामिल करने के कारण ही जो है कि मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली भी कहा है। तो ये जो है चर्चा है। कहने का मतलब प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक प्रारंभिक भाग है जिसमें संविधान के सभी महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित कर दिया गया है और के मुंशी के द्वारा राजनीतिक जन्म कुंडली भी कहा है। इसके महत्व को अगर हम लोग देखें तो इसके जो है चार महत्व हैं। एक तो इससे हमें जो है स्रोत के बारे में जानकारी होती है संविधान के, और दूसरा इसके परिवर्तन की तिथि, परिवर्तन तिथि के बारे में जानकारी होती है,
प्रकृति के बारे में जानकारी होती है, शासन उद्देश्य के बारे में। चार बातें यहां पे निकल करके सामने आती है। स्रोत क्या है? अगर देश के शासन का स्रोत पूछा जाए तो क्या है? जनता। संविधान का जो स्रोत है जनता, क्योंकि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में समस्त शक्तियां अंतिम रूप से जनता के पास निहित होती हैं। इसीलिए संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरीके से पूरी बातें इसमें कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसके स्रोत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। परिवर्तन की तिथि अभी हमने इसके पूर्व में उल्लेख किया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को सामान्य रूप से इसे लागू किया गया। प्रकृति क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके बारे में और इन शब्दों के बारे में शासन के स्वरूप के बारे में पता चलता है। यद्यपि इन शब्दों को अभी अभी हम जो है विश्लेषण करने वाले हैं। तो अगला है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व की भावना को बढ़ाना। दो बातें इसमें आ गई, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो ये जो है सोवियत संघ की व्यवस्था से लिया गया है, सोवियत संघ की व्यवस्था से इसे लिया गया है। और ये जो है 1917 ईस्वी के क्रांति पर जो आधारित है। और जब हम बात यहां पर करते हैं स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की, तो ये फ्रांस के जो है देश के जो है दर्शन से लिया गया है और ये 1789 ईस्वी के क्रांति पर आधारित है। यद्यपि ये जो फैक्ट है हो सकता है इतिहास में भी पढ़ना पड़े और किसी इतिहास के भी प्रश्न पत्र में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि इस तरीके की जो बातें वो संविधान एवं राज व्यवस्था से भी कहीं ना कहीं संबंधित और जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमें इनको भी ध्यान में रखना आवश्यक है, अर्थात कभी कभी राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध भी इसीलिए पढ़ा जाता है कि दोनों ही बातें और दोनों ही प्रकार के जो शाखाएं हैं ज्ञान की वो कहीं ना कहीं मिलती भी हैं। इसलिए हमें इसके अंतर्गत इसे भी समझ लेना आवश्यक है। तो हमने क्या देखा? प्रस्तावना का एक सामान्य परिचय देखा, एक जो है महत्व देख लिया, और अब देख लेते हैं इसकी जो संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक स्थिति में एक हम लोग दो बातें देखेंगे, इस संविधान का भाग है या नहीं, या न्यायालय के द्वारा ये जो है परिवर्तनीय है या नहीं। बेगवारी बनाम भारत संघ के मामले में 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट या निर्णय में इस बात को स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किंतु अगला जो इंपॉर्टेंट डेट है 1973, जो कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय केशवानंद भारती के विवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है उस संविधान का भाग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों? इसलिए क्योंकि प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1973 ईस्वी में यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इसके संदर्भ में ये बातें कही जाती हैं कि इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है और वर्तमान में जो स्थिति है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन वो परिवर्तनीय नहीं है। दो शब्द हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, भाग और परिवर्तनीय। भाग और परिवर्तनीय, भाग है इसलिए यहाँ पे टिक कर देते हैं, परिवर्तनीय नहीं इसलिए यहाँ पे टिक कर देते हैं। अगर इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। और संविधान राज्य व्यवस्था शब्दावली पर आधारित एक विषय है, इसलिए प्रत्येक शब्द के मतलब को व्यवहारिक स्तर पर समझना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शब्दों के मतलब पर ही और अर्थ पर ही आधारित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये रही जो है बात प्रस्तावना को लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसके माध्यम से न केवल प्रस्तावना बल्कि उससे जुड़ी हुई कई अन्य जो फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में जानकारी मिली होगी। प्रस्तावना के साथ साथ इसमें जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि जो है संप्रभु शब्द का भी जो है प्रयोग किया गया, तो हम इसके मतलब को भी समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान की पहली विशेषता प्रस्तावना है, दूसरी है कि ये संप्रभु है। संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य मामलों में
किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और उस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, संगठन और संस्था के द्वारा उसके आदेशों का पालन करना होता है तथा आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई भी व्यक्ति, संस्था और संगठन या देश उसके इस प्रकार के लिए गए निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता है। अगर कोई देश इस पैमाने पर खरा उतरता है तो ऐसे देश को ही जो है संप्रभु देश कहा जाता है। भारत के प्रस्तावना में भी इस बात को उल्लिखित किया गया और संविधान के द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि भारत में संप्रभुता की मूल भावना निहित है, अर्थात भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक संप्रभु राष्ट्र है। तो ये बातें बताती हैं आपकी जो है संविधान के माध्यम से और संविधान की विशेषता में इसको रखा गया। संप्रभुता का मतलब वास्तव में अगर देखा जाए तो सत्ता शक्ति से होता है, और चूंकि हम राष्ट्र के बारे में संप्रभुता पढ़ते हैं इसका मतलब यह है कि वो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, कोई अन्य व्यक्ति उसके इस प्रकार के निर्णय को कोई चुनौती नहीं देता है। तो ये व्यवस्था जो होती है वो संप्रभु होती है। समाजवादी का तात्पर्य क्या है? समाजवादी शब्द भारत के मूल संविधान में नहीं था, ये फैक्ट आपके लिए है। दूसरा यह है कि ये 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। तीसरा यह है कि इसके साथ में दो अन्य शब्द, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा है, यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को समाजवादी के साथ जो है 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द के माध्यम से भारत में समाजवादी ढांचे को लागू किया गया है। भारत एक समाजवादी देश नहीं है बल्कि यहाँ पे समाजवादी ढांचे को लागू किया गया है। अब ये देखना है कि समाजवादी देश और समाजवादी ढांचे में क्या अंतर है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सह अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और निजी क्षेत्र के उद्यमशीलता और प्रबंधकीय क्षमता को भी देश के विकास में जो स्वीकार किया गया है ताकि देश में विकास के उच्च स्तर को जो है प्राप्त किया जा सके, और इनके द्वारा जो भी कराधान से जो कर प्राप्त होता है, जो संसाधन एकत्रित होता है, उन संसाधनों का प्रयोग हम समाजवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं, यानी कि समाज में तृणमूल स्तर, ग्रास रूट लेवल, जमीनी स्तर पर या दबे कुचले लोग जो नीचे हुए हैं, जिनकी स्थिति आर्थिक विकास के चरण में बहुत नीचे है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कहीं पर जो है पेंशन की व्यवस्था, कहीं पर खाद्यान्न की भी व्यवस्था, कहीं पर स्वास्थ्य की व्यवस्था, कहीं पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए, आपको जानकारी है कि इन सभी क्षेत्रों में जो है कानून बनाया गया है, इसके पीछे की इकोनॉमिक्स के क्लासेस में ये सब चीज़ें आप लोगों को मिलती रही हैं। तो इसके माध्यम से समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि 1976 में समाजवादी शब्द को सम्मिलित करने के बाद भारत में समाजवादी ढांचे के अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व को स्वीकार करके विकास के उच्च स्तर को जहां प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, वहीं पर इन संसाधनों का प्रयोग करते हुए निचले स्तर के लोगों को या कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। ये व्यवस्था आपकी क्या कहलाती है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। ये भी आपके संविधान की एक बहुत ही विशिष्ट और जो है अद्वितीय व्यवस्था है। पंथ निरपेक्षता का क्या तात्पर्य है? एक ऐसा देश जिसका कि कोई अपना व्यक्तिगत जो है धर्म या पंथ नहीं होता है, बल्कि वो अपने सभी नागरिकों को उनके अनुसार, उनके पसंद के अनुसार किसी भी पंथ या धर्म को अपनाने, उसका पालन करने, आचरण करने की स्वतंत्रता देता है, वो देश ही पंथनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। और भारत में इसे जो है बखूबी भारतीय संविधान के जो भाग 3 के अंतर्गत जो है दिखाया गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार, और उसी में जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के अंतर्गत जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दिया गया है, जहाँ पर पंथनिरपेक्षता की भावना को व्यक्त किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पंथनिरपेक्षता के शब्द को आप समझ गए होंगे। दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक तो राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है और हर व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। ये इसकी संक्षिप्त परिभाषा। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता तो आपको यही शब्द का जो है शब्द के माध्यम से अपना उत्तर देना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह शब्द आपको समझ में आएगा। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शब्द भी जो है आपके संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक
देश या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां पर सत्ता अंतिम रूप से जनता के हाथों में निहित होता है। नियतकालिक चुनाव के माध्यम से जनता जनादेश के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करता है और लोकप्रिय सदन में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है और सरकार अपने नीतियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाता है जिसके माध्यम से जनता के हित को बढ़ावा दिया जाता है और जनता के प्रति वह उत्तरदायी भी होती है क्योंकि लोकप्रिय सदन में समय समय पर सवाल भी पूछा जाता है जैसे विधानमंडल और संसद के अंतर्गत। तो इस तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली शक्ति अंतिम रूप से जनता में जनता जनादेश के माध्यम से अपनी सरकार बनाती है, सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसी व्यवस्था ही जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहलाती है। गणराज्य भारत एक लंबे समय तक जो है दूसरे देश की गुलामी के चंगुल में फंसा हुआ था, ऐसी स्थिति में इस शब्द का महत्व और भी बढ़ जाता है। गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहाँ की सर्वोच्च पद जो है वंश के आधार पर ना होकर के चुनाव के आधार पर भरा जाता है। भारत में सर्वोच्च पद की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति है जो कि भारत का प्रथम नागरिक भी होता है जिसका नियतकालिक चुनाव होता है, वो वंश पर आधारित नहीं होता, इसलिए भारत को रिपब्लिक या गणराज्य कहा जाता है। लेकिन हम ब्रिटेन को गणराज्य नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ का सर्वोच्च पद सम्राट या साम्राज्ञी का है जो कि वंश पर आधारित है, इसलिए ब्रिटेन में लोकतंत्र होने के साथ साथ भी उसे गणराज्य नहीं कहा जाता है बल्कि भारत को लोकतंत्र और गणराज्य दोनों कहा जाता है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। प्रस्तावना है, संप्रभु देश है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, ये सभी जो है प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों के आधार पर विशेषताएं थी। अब हम संविधान के स्वरूप और उसमें विशिष्ट प्रकार के किए गए प्रावधानों को भी सम्मिलित करने का जो प्रयास करते हैं। अब इसके अंतर्गत अगली विशेषता है लिखित यौन व्यापक संविधान। लिखित यौन व्यापक ये इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है। लिखित का तात्पर्य जो है संविधान सभा के द्वारा इस पर चर्चा किया गया था और विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को एक कानूनी दस्तावेज के रूप में लिख दिया गया है। तो ये व्यवस्था जो है लिखित संविधान के अंतर्गत आती है। अगर हम अन्य देश के जो संविधान को देखिए जैसे ब्रिटेन का संविधान, वो विकसित देशों के जो है संविधान के अंतर्गत आता है, यानी कि विकसित संविधान वहाँ पे है, लेकिन भारत में लिखित संविधान है जो कि अन्य देशों के जो संविधान से इसे पृथक करता है। व्यापक संविधान के अंतर्गत इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा ही किया कि 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग, इस तरीके से ये व्यापक जो है संविधान है और ऐसा व्यापक होने के कारण भी हैं क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की भौगोलिक दशाएँ हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएँ हैं, उन सभी समस्याओं पर कोई भविष्य में जो है मतभेद या कोई भी दुविधा की स्थिति न उत्पन्न हो सके, इसीलिए सभी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए संविधान में इन सभी विशेषताओं को सम्मिलित करने के कारण से ये संविधान जो है बहुत ही व्यापक हो गया है। अब व्यापक होने के कारण से ऐतिहासिक कारण भी हैं। ऐतिहासिक कारण ये है कि लंबे समय से भारत में जो है शासन हो रहा था, ब्रिटिश शासन के द्वारा यहाँ पर शासन किया जा रहा था, अलग अलग कानून बनाए जा रहे थे, उसमें भी भारत शासन अधिनियम 1935 एक बड़ा कानून था जिसका इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए उन सभी प्रावधानों को लेने के कारण से संविधान व्यापक हो गया। भौगोलिक आधार पर भी जो है अगर देखें तो भारत जो है अत्यंत ही जो है विविधता वाला देश है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो विशिष्टताएं हैं जिनके कारण से जो भी संविधान व्यापक हो गए हैं। यहाँ पर जो है संविधान निर्माता जो है भारतीय संविधान निर्माता विशेष ज्ञान से जो है संपन्न थे, उसमें से काफी कुछ वकील थे और उन्होंने पूरी दुनिया के संविधान का अध्ययन किया, वहाँ की महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया, इस कारण से भी जो भारत का जो संविधान अत्यंत व्यापक हो गया। और अगला जो है वो एकल संविधान। एकल संविधान का मतलब यह है कि यहाँ पे राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो हम अभी थोड़ा सा आगे चल करके उसको देखने और समझने का जो प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझिए कि एक ही संविधान में
केंद्र और राज्य के सभी प्रावधानों को शामिल किया गया, जिससे ये संविधान अत्यंत ही व्यापक हो गया। तो ये कारण उसके पीछे विद्यमान होते हैं। अगला है विभिन्न संविधानों, विभिन्न संविधानों का प्रभाव। ये महत्वपूर्ण टॉपिक तो है ही, इसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण विशेषता है जहां से सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं कि भारत के संविधान निर्माता विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया उनके द्वारा, और उसके आधार पर वहां की महत्वपूर्ण बातों को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार लागू किया गया, ताकि देश जो है एक मजबूत राष्ट्र बन सके और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने में सक्षम हो सके। तो इसके अंतर्गत जो है दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों से जो है यहाँ पर प्रावधान लिए गए हैं। यद्यपि अगर देखा जाए तो इसमें एक संविधान का स्रोत टॉपिक ही बनता है, लेकिन आपके सिलेबस में इस तरीके से कोई टॉपिक नहीं रखा गया है, लेकिन हम इसी के अंतर्गत उसे कवर करने का जो प्रयास करेंगे। जैसे भारत में ब्रिटेन की शासन प्रणाली थी, तो वहां से जो है ब्रिटेन से हमारे देश में कई जो है प्रावधान लिए गए हैं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली वहीं से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी तरफ विधि निर्माण, विधि का शासन, संसदीय सदस्य की विशेषाधिकार, इसी में आगे है संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकार। तो अब यहां पे आपने देखा संसदीय शासन प्रणाली, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन, ये सब संसद से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं या संसदीय सदस्यों के विशेषाधिकार। तो ये सारी चीजें जो है वो संसद से जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए ये क्या हो गया कि जो है कहा गया कि यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली यहाँ से लिया गया, जब हमेशा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। और एकल नागरिकता यहाँ पर इसे व्याख्या करके जो है आप लोगों को समझाया गया है। देखा जाए तो संसद और एकल नागरिकता दो ही है, लेकिन उसमें भी जो है अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय सदस्यों के विशेष अधिकार, ये सभी चीजें जो है कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। यद्यपि इस पर आधारित जो टेक्स्ट मैटर है वो भी टेलीग्राम ग्रुप में जो है आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस लेक्चर के भाव को, इस लेक्चर के आधार पर अपनी समझ को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, बाकी चीजें आपको समय समय पर उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। ये वहां से हो गई अमेरिका, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण देश है जहां से लिया गया है वो अमेरिका है। प्रस्तावना यहां से लिया गया है, एक तो यहां से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद यहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद जो है यहां से लिया गया है। अगला जो है वो न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक जो है वो व्यवस्था यहां से लिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तावना यहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति और न्यायिक व्यवस्था। तो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी व्यवस्थाएं यहीं से ली गई हैं। न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत ये उप दो टॉपिक हैं, इसको यहां से लिया गया है। तो यहां से अक्सर ये सवाल मौलिक अधिकार से संबंधित पूछ लेता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायिक पुनरावलोकन, ये दो चीजें बहुत अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए ध्यान में रखने की आप लोगों को आवश्यकता है। अगला है जो है आयरलैंड से एक इंपॉर्टेंट चीज जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, नीति निदेशक तत्व जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो नीति निदेशक तत्व यहाँ से लिया गया है, और इसके बाद जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति,
राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था जो है वो आयरलैंड के जो संविधान से लिया गया है, इसलिए ये दोनों टॉपिक को जो है समझना ज्यादा जरूरी है। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व तो और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था और राज्यसभा और विधान परिषद में विशिष्ट योग्यता के लोगों का चुनाव, तो ये तीन जो है व्यवस्थाएं जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। एक तो नीति निदेशक तत्व तो है, दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धतियों व्यवस्था है, और तीसरा जो है वो राज्यसभा है। तो राज्यसभा नहीं, राज्यसभा और विधान परिषद में विशिष्ट योग्यता के सदस्यों का राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा मनोनयन की व्यवस्था, ये जो है टॉपिक यहाँ पर आता है। तो हम लोगों ने तीन देश का यहाँ पे देखा, एक तो ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा आयरलैंड। अब यहाँ पे दो अन्य शब्दों का हम उल्लेख करना चाहेंगे, अब ये राज्यपाल अवशिष्ट विषय संघात्मक शासन प्रणाली आपको पता ही है कि कनाडा की जो है संविधान से लिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो शब्द है इसमें जितने भी शब्द आ रहे हैं वो सब कनाडा से हैं। ये राज से राज्यपाल हो गया, और यहां पे ये दीर्घ लगा हुआ है इसलिए आ का उच्चारण होता है। ये अवशिष्ट शक्तियां हो गई और सा से आपका संघात्मक शासन प्रणाली हो गया। तो एक शब्द में जो है तीनों ही व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है, और चूंकि संघात्मक शासन प्रणाली आपको पता ही है कि कनाडा से लिया गया है, अर्थात ये तीनों ही व्यवस्थाएं कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो ये चीज स्पष्ट हो जाता। अगला ये है प्रस्तावना की भाषा और साथ से जो है समवर्ती सूची। अब आपको क्या यहां पे निकल के सामने आया, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन एक बार प्रस्तावना का उल्लेख हम लोगों ने अभी इसके पूर्व में अमेरिका से भी किया। तो प्रस्तावना की जो व्यवस्था है वो अमेरिका से लिया गया है, यानी कि प्रस्तावना वहां पे भी है तो यहां पे भी कर दिया गया, लेकिन उसके अंदर जो शब्दों का प्रयोग किया गया, भाषा का प्रयोग किया गया है वो कहां से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये दोनों ही बातें जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये थोड़ा सा टेक्निक होते हैं जिससे हमें हर चीज को रटने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि कुछ चीजों को इसके आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। तो आप लोगों को ये चीजें बीच बीच में इसलिए बताई जाती रहती हैं कि ताकि पढ़ाई के दौरान अगर आपको भी कुछ चीजें ऐसी मिले तो उस पर आप ध्यान दीजिए, या कुछ चीजों को अपने अनुसार भी बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा खोजी गई ज्ञान ही आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम तो केवल यहाँ पर आपको एक रास्ते का जो चुनाव करवा सकते हैं, चलना आपको स्वयं है, परीक्षा में लिखना आपको स्वयं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पांच देशों का अध्ययन किया अभी तक, एक तो ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा आयरलैंड की जो व्यवस्था, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था और कनाडा की व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था ये थी और ये जो है कनाडा की व्यवस्था थी। तो पांच देशों का अध्ययन किया, और पांच देशों में हमने दो देशों को तो ट्रिक से याद कर लिया, तो बहुत आसान व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए हो गई होंगी। अभी कुछ एक एक व्यवस्थाएं जो एक एक देशों से, उसको भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान का भाग 18 अगर देखेंगे तो आ से 18 हो रहा है, और आ से आपातकालीन की व्यवस्था, आ से 18 और आ से आपातकालीन की व्यवस्था, और इस आपातकालीन की व्यवस्था जो है वो कहां से लिया गया है, जर्मनी की, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन व्यवस्था को लिया गया है। अगला जो भाग 20 है, संविधान संशोधन, ये भी सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पे इसको शामिल कर दिया गया है। ये जो व्यवस्था है वो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है,
दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था और भाग क्या है 20। 18 से 18 आपातकालीन व्यवस्था लिया गया है जर्मनी फ्रांस से गणतंत्र गणतंत्रीय शासन प्रणाली दिया गया है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि संविधान के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उन्हीं के द्वारा शासन का संचालन किया जाएगा और यदि उनका उल्लंघन किया जाता है तो उन्हीं नियमों के आधार पर उसकी व्याख्या किया जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं कहां से ली गई हैं? वो जापान से ली गई हैं। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और रूस से लिया गया सोवियत संघ के मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 इसके माध्यम से लगभग 200 अनुच्छेद को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसलिए अगर सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाता है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। यद्यपि सभी देशों के द्वारा लिए गए संविधान की व्यवस्थाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन ये अपने आप में सबसे ज्यादा प्रावधानों को करता है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 11 देशों के बारे में। कभी कभी आप लोग ये कीजिए कि जो है थोड़ा सा जैसे स्रोत पे है तो आप सोच लीजिए कि हमने स्रोत में किन किन देशों को जो शामिल किया गया। यहाँ जो है स्रोत को देश में खोजने का प्रयास मत कीजिए बल्कि देश के आधार पर स्रोत को देखने का प्रयास कीजिए। आसानी से याद होगा जैसे ब्रिटेन में तो हमने जो है 4 व्यवस्थाएं बताई संसद से और एक नागरिकता से। अमेरिका में आप लोग चले आते हैं तो अमेरिका में शुरुआती दौर में क्या है? सबसे पहले प्रस्तावना है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या है? मौलिक अधिकार है, दोनों लिया गया। उसके बाद क्या है? उपराष्ट्रपति है, वो उसे जो है लिया गया है। और उसके बाद क्या है? न्यायिक व्यवस्था यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये अमेरिका से ली गई व्यवस्था। आयरलैंड में जब हम लोग आते हैं तो पुनः प्रारंभ में जाते हैं यानी कि जो है आयरलैंड में नीति निदेशक तत्व आते हैं और उसके बाद जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में और विधान परिषद में विशिष्ट योग्यता के सदस्य। इसके बाद हम लोगों ने देखा कनाडा और फ्रांस से हम लोगों ने राष्ट्र और प्रांत ये 2 शब्दों के माध्यम से उसको ट्रिक में शामिल कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। 6 देश ऐसे हैं, 6 प्रकार के व्यवस्था हैं जहाँ पे एक एक प्रावधान मूल रूप से लिया गया है। जैसे दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, आपातकालीन जर्मनी से, फ्रांस से गणतंत्र और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूस और भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में भारतीय संविधान पर एक सामान्य प्रकाश डालते हुए भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को देखने और समझने का प्रयास किया। तो हमने जैसा कि बताया था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ अन्य टॉपिक को भी सम्मिलित कर लेंगे क्योंकि वो आपके जो सिलेबस में नहीं है फिर भी हम उसे इसलिए शामिल करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वहां से सवाल आना तय है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इसके माध्यम से बहुत ही ठोस जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और भारतीय संविधान को समझने में आपको मदद मिली होगी। विभिन्न प्रकार के ट्रिक भी आप लोगों को प्रदान किए गए हैं जिससे आप पूरे संविधान को समझने का प्रयास कीजिए और जल्द ही हम इसके दूसरे और अंतिम भाग को लेकर के आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए और उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आपके अंदर एक ऐसा जुनून आएगा जो आपको इस परीक्षा को पास करने में आपका मदद करेगा। तो अगले टॉपिक में जल्द ही हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।